शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव हुआ है। हरजिंदर सिंह धामी एक बार फिर से एसजीपीसी के अध्यक्ष बन गए हैं। धामी को 104 वोट मिले हैं, तो वहीं उनकी प्रतिद्वंदी रही बीबी जागीर कौर को महज 42 मत ही मिल सके हैं। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कुल 146 वोट पड़े हैं। जीत के लिए 79 वोट चाहिए थे। एसजीपीसी अध्यक्ष पद चुनाव के लिए मतदान अमृतसर में तेजा सिंह समूरी हॉल में हुआ है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर मामले में गैंगस्टर दीपक टीनू को कोर्ट में पेश किया गया है। अदालत ने टीनू को 11 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। मर्डर मामले में अब दीपक टीनू से पुलिस पूछताछ करेगी। बता दें कि पुलिस ने पूछताछ को लेकर के दीपक टीनू की रिमांड बढ़ाने की मांग की थी। पुलिस ने अदालत में कहा है कि दीपक टीनू के भाई के पास से असलाह रिकवर किया गया है और ऐसे में कई जरूरी पूछताछ को लेकर के टीनू की रिमांड बढ़ाए जाने की जरूरत है। बीएसएफ ने पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक हेक्साकॉप्टर ड्रोन को फिरोजपुर जिले के गंदू किलचा गांव में गिराया है, जिसके बाद क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई है और इलाके में सर्च अभियान चलाया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए डीआईजी बीएसएफ फिरोजपुर ने बताया कि फिरोजपुर सेक्टर में भारत पाक सीमा के करीब पाकिस्तानी ड्रोन की एक्टिविटी दिखाई दी है, जिस पर बीएसएफ की ओर से तुरंत कार्रवाई करते हुए भारी फायरिंग की गई है, जिसके बाद सर्च अभियान चलाया गया जिसमें एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामद हुआ है। पंजाब में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। लोगों को आंखों में जलन महसूस हो रही है, जहां लोग बारिश की आशंका जता रहे हैं। ऐसे में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञानी ने बताया है कि रात में नवंबर का महीने में तापमान बढ़ गया है, जिससे 52 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अभी भी कोहरा छाया हुआ है और लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। पटियाला में प्रदूषण के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के कारण शहर में अंधेरा छाया हुआ है। प्रदूषण और कोहरे के कारण छाए हुए अंधेरे से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वहीं प्रदूषण की चादर सड़कों पर साफ देखी जा सकती है। बडाला रोडवेज डिपो का एक कंडक्टर पानी टंकी पर चढ़ गया है और न्याय न मिले पर जान देने की धमकी दी है। स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद कर्मचारी को टंकी से नीचे उतारा है। भगोवाल निवासी कंडक्टर का आरोप है कि वो 1 नवंबर को बस लेकर चंडीगढ़ से बटाला आ रहा था। रास्ते में रोपड़ डिपो के निरीक्षक ने बस की चेकिंग की है। बस में एक यात्री बिना टिकट का पकड़ा गया। निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर कंडक्टर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। विभाग की इस कार्रवाई को लेकर के कंडक्टर पानी की टंकी पर चढ़ गया और इंसाफ की मांग की। फगवाड़ा में एक दर्दनाक हादसा हो गया है, जहां एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी है। इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बडाला के उद्योग क्षेत्र में एक गोदाम में अचानक आग लग गई है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि दमकल को आग बुझाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों की मदद ली गई है। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने बताया कि आग की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि इसे नियंत्रित करने के लिए बहुत प्रयास किया गया। बडाला के साथ साथ गुरदासपुर और अमृतसर से भी दमकल की गाड़ियों को मंगवाना पड़ा। फरीदकोट के गांव खारा के पास स्कूल वैन और बस की टक्कर में स्कूल वैन पलट गई। इस हादसे में स्कूली छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है।